ट्यूबलाइट को बॉक्स ऑफिस पर मिले नॉट सो वार्म रिस्पांस के बाद सलमान खान ने अब टाइगर जिंदा है के साथ साथ दबंग 3 की प्लानिंग भी शुरू कर दी है। हालांकि आए दिन इस फिल्म से जुड़ी कोई ना कोई खबर आती ही रहती है। जबकि दबंग के इस तीसरे इंस्टॉलमेंट को अरबाज खान की जगह प्रभु देवा डायरेक्ट करने वाले हैं, वहीं काफी दिनों से सलमान को इस फिल्म के लिए सोनाक्षी जैसे एक देसी चेहरे की तलाश थी और अब लगता है सलमान की ये तलाश टेलीविजन की नागिन यानी मौनी रॉय पर जाकर खत्म हुई है। जी हाँ, मिली जानकारी के अनुसार शायद दबंग 3 में सलमान के ऑपोजिट मौनी रॉय देख सकती हैं। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है? क्या आप भी दबंग के तीसरे इंस्टॉलमेंट में सलमान के ऑपोजिट मौनी रॉय को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? वेल, हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। क्या आनंद एल रॉय की डॉल्फ फिल्म के लिए सलमान खान ही उनकी फर्स्ट चॉइस थे? क्या आप भी इस न्यूज को सुन हमारी ही तरह मिक्स्ड इमोशन से गुजर रहे हैं? वेल, आपको बता दें 2015 का एक थ्रोबैक इंटरव्यू हमारे हाथ लगा है, जहां डायरेक्टर आनंद एल रॉय ने बताया था कि सलमान उनकी डॉल्फ फिल्म में एक्टिंग करने के लिए मान गए हैं। फिर जब सलमान खान के बैक आउट करने की वजह से इस फिल्म के डिब्बा बंद हो जाने की अफवाहें उड़ने लगी, तब डायरेक्टर साहब ने इन सारी अफवाहों को चुटलाते हुए बताया था कि ये प्रोजेक्ट कभी डिब्बा बंद हुआ ही नहीं, भाई काफी बिजी हैं। हाँ, हमने अभी तक डेट्स लॉक नहीं की हैं, लेकिन उन्होंने ये कहानी सुनी और इसके लिए हामी भी भर दी है। वेल, अब वापस आते हैं आज की तारीख यानी 2017 में, जहां सलमान इस फिल्म में एक कैमियो कर रहे हैं, जबकि वो इस फिल्म में अहम किरदार निभा सकते थे। पर इस वक्त शाहरुख और सलमान को एक साथ एक ही फ्रेम में देखने के अलावा हम कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें जरूर बताएं और कमेंट करना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे।